नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक उत्कृष्ट रसायन और वाजीकरण औषधि के बारे में जानेंगे। इसका नाम है अश्वगंधा। अगर आपको एज अ टॉनिक कोई औषधि लेनी है या फिर मसल्स को बढ़ाना है, आपको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है या फिर नींद कम आती है, शुक्र धातु को आपको बढ़ाना है, शुक्राणुओं की कमी है या फिर किसी में वंध्यत्व की समस्या है, या स्किन हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, पाचन क्रिया को अच्छा रखने के लिए, ये बहुत अच्छी औषधि है। स्त्री और पुरुष दोनों इसे ले सकते हैं। आप में से भी काफ़ी लोगों ने इसे ज़रूर इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अश्वगंधा को लेने की सही विधि यानी इसकी सेवन विधि क्या है, इसका अनुपान कौन सा है यानी किन चीज़ों के साथ आपने इसे मिक्स करके लेना है ताकि आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सके, इसकी मात्रा क्या है, सावधानी आपने क्या लेनी है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे ताकि आप इसे बहुत सेफली ले सके, आपको इसके पूरे फायदे मिले और कोई भी नुकसान ना हो। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अश्वगंधा के बहुत सारे संस्कृत नाम हैं, जैसे वरदा, बलदा, वराह करनी। इसका जो लैटिन नेम है वो है विथानिया सोमनीफेरा। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके जो गुणधर्म है बहुत विस्तार के साथ बताए हुए हैं। भाव प्रकाश निघंटु में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आया हुआ है जिसमें अश्वगंधा का वर्णन हमें मिलता है। इसमें कहा गया है, अश्वगंधा अनिल श्लेष्मा श्वित्र शोथ क्षयापहा बल्या रसायनी तिक्ता कषाय उष्णा अति शुक्रला। अब देखिए, इसमें पहला ही शब्द है अश्वगंधा अनिल श्लेष्मा, यानी ये वात और कफ दोष को कम करता है। जैसे हमारे शरीर में वात पित्त कफ ये तीन दोष है, तो इसमें से अश्वगंधा वात और कफ का शमन करती है, इनको बैलेंस करती है। लेकिन इसकी जो तासीर है वो गर्म है, तो जिनको पित्त से संबंधित कोई तकलीफ है, जिनकी पित्त प्रकृति है या फिर पित्त का काल है, उस समय पे इसे संभाल के लेना जरूरी है। तो इसमें भी आप इसे अनुपान जो है उसको बदल सकते हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो, उसके बारे में भी हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अश्वगंधा के सेवन से सबसे अच्छे सात फायदे आपको कौन से मिल सकते हैं। अश्वगंधा एक उत्कृष्ट रसायन है, तो किसी भी अन्य टॉनिक के कंपैरिजन में ये बहुत अच्छी औषधि है। इसे बल्य ब्रूहण करने वाली बलवर्धक बताया हुआ है, यानी स्ट्रेंथ स्टैमिना बढ़ाने के लिए ये मदद करती है। मांस धातु वर्धक है, स्पेशली जो लोग जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है या व्यायाम ज़्यादा करते हैं, जिम एक्सरसाइज करते हैं, या जिनको मसल्स को वेट को बढ़ाना है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। कुछ बीमारियों में या बीमारियों के बाद भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, जैसे जिनको मांस धातु से संबंधित बीमारी, जैसे कि मांस क्षय या मांस शोष जिसे आयुर्वेद में कहा जाता है, यानी जो मसल डिस्ट्रॉफी या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उसमें भी आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग जिनको चोट लगी है और चोट लगने के कारण जिनको मस्कुलर यानी इंजूरी है या फिर लिगामेंट की इंजूरी है, बोन से रिलेटेड तकलीफ है, दर्द होता है, तो जैसे हमने देखा कि अश्वगंधा वात को भी कम करती है, ये दर्द को कम करती है और मसल्स को बढ़ाने के लिए हेल्प करती है। नर्व से रिलेटेड जो तकलीफें हैं, जैसे कि न्यूरोपैथी है, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है और बहुत साल डायबिटीज़ के बाद डायबिटिक न्यूरोपैथी लक्षण दिखता है, पैरों में बहुत ज़्यादा जलन है या फिर नसों में खिंचाव रहता है, तो उस समय पर भी अश्वगंधा एक बहुत अच्छी औषधि है। अश्वगंधा सभी धातुओं को बढ़ाता है, ये शुक्र धातु को भी बढ़ाता है। इसे वृष कहा गया है, तो जिन लोगों में शुक्राणुओं की कमी है या फिर कमजोरी है, वंध्यत्व यानी इनफर्टिलिटी की समस्या है, उनके लिए भी अश्वगंधा एक बहुत अच्छी औषधि है। काफ़ी सारी वाजीकरण औषधियों में अश्वगंधा का यूज़ किया जाता है। अश्वगंधा की जो जड़ें हैं यानी जो इसके रूट्स है, उसी का औषधियाँ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब तक हमने अश्वगंधा के दो बेनिफिट्स देखे, इसके और भी पांच बेनिफिट्स है, लेकिन वो देखने के पहले ये जानते हैं कि अश्वगंधा की सेवन विधि क्या है, यानी आपने इसे किस तरह से लेना है। अब देखिए, अश्वगंधा अलग अलग फॉर्म्स में यानी अलग अलग रूपों में हमें मिलता है, जैसे कि अश्वगंधा का चूर्ण है, अश्वगंधा की टैबलेट या कैप्सूल है, अश्वगंधा रिष्ट है, अश्वगंधा रसायन है, या फिर अश्वगंधा घृत भी मिलता है। तो इस तरह से अलग अलग रूपों में आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब इसमें से अश्वगंधा चूर्ण का सेवन एक सिंपल, इजी और इफेक्टिव ऑप्शन है। इसमें सिर्फ अश्वगंधा है, कोई भी और औषधि इसमें मिक्स नहीं है। लेने के लिए ये बहुत इजी है और इसका एब्सॉर्प्शन भी जल्दी हो जाता है। अब देखिए, जब भी अश्वगंधा का ये चूर्ण या पाउडर बनाया जाता है, तो जड़ों का ये पाउडर बनाया जाता है, तो इसकी क्वालिटी अच्छी होनी भी बहुत ज़रूरी है। पाउडर बनाने के बाद तो हमें सब सेम ही दिखता है।
अगर हमें अश्वगंधा के पूरे रिजल्ट्स चाहिए तो इसकी क्वालिटी अच्छी होना, इसका एक ट्रस्टेड सोर्स होना, इसमें कोई भी मिलावट ना होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि औषधि कौन से कंपनी की या कौन से ब्रांड की ले, तो आप अतार आयुर्वेदा का अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं। अब देखिए, ये जो अतार आयुर्वेदा का अश्वगंधा पाउडर है ये प्योर और नेचुरल फॉर्म में है, प्रीमियम ग्रेड अश्वगंधा से ये बनाया जाता है, ये एक नॉन जीएमओ प्रोडक्ट है, इसके साथ ही FSSAI अप्रूव्ड है, यानी जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इनके द्वारा ये अप्रूव है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो सेफली आप इसे ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अश्वगंधा का सेवन हमने किस तरह से करना है। अश्वगंधा का जो चूर्ण है इसकी मात्रा है 3 से 6 ग्राम, यानी लगभग आधा से एक चम्मच। आप इसे 1 से 2 बार ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत में एक ही बार ले, सुबह आप इसे जल्दी ले, यानी खाली पेट आपने इसे लेना है, हल्के गुनगुने दूध के साथ या गर्म दूध के साथ आप इसे मिक्स करके ले सकते हैं। अब देखिए, जब हम सुबह इसे एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो इसका एब्सॉर्प्शन भी फास्ट होता है, तो छोटी क्वांटिटी से भी इसका अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ये दूध लेने के बाद जब तक आपको अच्छी भूख ना लगे तब तक प्रिफरेबली आपने कुछ भी नहीं खाना है। ये जो चूर्ण है इसकी टेस्ट उतनी अच्छी नहीं है, तो आप इसमें थोड़ी सी मिश्री मिला के ले सकते हैं ताकि इसका टेस्ट आपको अच्छा लगे। जिन लोगों को डायबिटीज है वो लोग इसमें मिश्री मिक्स ना करें। तो इस तरह से अश्वगंधा का चूर्ण आप ले सकते हैं। आप अश्वगंधा क्षीरपाक का सेवन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने 1 कप दूध लेना है, उसमें 2 कप पानी आपने मिलाना है और इसमें अश्वगंधा का चूर्ण आधा से एक चम्मच आपने डालना है। जब तक सिर्फ दूध बचे तब तक आपने इसे उबालना है। स्वाद के लिए आप इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं। दूध बचने पर आपने इसे छान के लेना है और इसका आपने सुबह खाली पेट सेवन करना है। अगर आपको वेट गेन करना है तो इसमें आप थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं। गाय का घी आपने इसमें मिलाना है। तो इस तरह से ये जो अश्वगंधा क्षीरपाक है ये भी बहुत अच्छी औषधि है। अगर छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, वेट गेन नहीं हो रहा है, जिसे बाल शोष कहा जाता है, तो इसमें, या फिर वृद्धावस्था में अगर आपको बहुत कमजोरी है यानी ओल्ड एज है और बहुत थकान होती है, तो इसमें आपने अश्वगंधा चूर्ण का सेवन कैसे करना है वो देखते हैं। तो आपने जो गाय का घी है इसमें लगभग 1 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण हल्का सा गर्म करके भून के लेना है और फिर उसमें दूध और थोड़ी सी मिश्री मिला के इसका सुबह खाली पेट सेवन करना है। अगर आपको एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग यानी बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, चिंता रहती है, किसी चीज़ का डर लगता है, पाल्पिटेशन होता है, तो आपके लिए अश्वगंधा एक बहुत अच्छी औषधि है। अनिद्रा में यानी जो इंसोम्निया की तकलीफ है, नींद ना आने की तकलीफ है, इसमें रात को आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। तो सोने के लगभग 1 घंटा पहले आधा से एक चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण आप दूध में मिला के ले, इसमें आप थोड़ा सा गाय का घी, लगभग आधा चम्मच गाय का घी मिला के ले, तो इससे नींद अच्छी आने के लिए बहुत मदद मिलती है। जिन लोगों को दूध पसंद नहीं है या दूध सहन नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, वो लोग बहुत कम दूध के साथ ले सकते हैं या तो फिर पानी में मिला के भी आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीकों से आप अश्वगंधा चूर्ण ले सकते हैं। अगर आपको अतार आयुर्वेदा का अश्वगंधा पाउडर परचेस करना है तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में है, तो वहां पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। अश्वगंधा डाइजेशन के लिए यानी अच्छी चयापचय क्रिया के लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। ये दीपन करने वाली है यानी हमारे जठराग्नि को बढ़ाने वाली है। अगर आपको ब्लोटिंग की समस्या है या फिर पेट में दर्द रहता है तो उसको ये कम करती है। इसके अलावा इसे कृमिघ्न कहा गया है, यानी अगर वर्म्स है, पेट में कीड़े है, तो उसको भी शरीर से निकालने के लिए ये मदद करती है। अश्वगंधा के सेवन से हृदय की मांसपेशियों को बल मिलता है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है या पाल्पिटेशन होता है वो लोग भी इसे ले सकते हैं। दूसरा है कि जिनको हाइपरटेंशन है, जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, तो इसे रक्तभार शामक कहा हुआ है, यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। साथ ही में जिन लोगों को ब्लड प्रेशर भी है और शरीर में कहीं पे सूजन है, तो इन दोनों केस में ही आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि इसे शोथग्न यानी सूजन को कम करने वाली कहा हुआ है। स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। तो अगर आपको स्किन से संबंधित अभी कोई तकलीफ है, जैसे कोई भी स्किन डिसीजेस है, यहाँ तक कि आयुर्वेद में जो श्वित्र बताया हुआ है, यानी अगर आपको सफ़ेद दाग की समस्या है या स्किन का टेक्सचर, आपका स्किन का ग्लो अच्छा रखना चाहते हैं, तो इन अवस्थाओं में भी आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं।
अश्वगंधा गर्भाशय की मांसपेशियों को भी बल प्रदान करने वाली है, तो महिलाओं के लिए भी अच्छी औषधि है। जिन महिलाओं में गर्भाशय से संबंधित कोई कमजोरी है, गर्भस्राव या गर्भपात की कोई हिस्ट्री है, या जिनको सफ़ेद पानी की समस्या है, कमर दर्द है, थकान है, तो ऐसी कोई भी समस्या है तो आपके लिए अश्वगंधा फायदेमंद है। आप अश्वगंधा का चूर्ण ले सकते हैं या फिर अश्वगंधा की जो गोली है यानी टैबलेट या कैप्सूल, ये भी एक एक दिन में दो बार, एक सुबह एक शाम, ऐसे आप इसे ले सकते हैं। अश्वगंधा अरिष्ट भी आपके लिए बहुत अच्छी औषधि है, तो 15 से 20 ml अश्वगंधा अरिष्ट आपने गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद लेना है। अश्वगंधा को वातानुलोमक भी कहा हुआ है, तो प्राण वायु का अनुलोमन करने के लिए भी ये मदद करता है, तो इसीलिए अस्थमा जैसे केसेस में भी ये बहुत फायदेमंद है। अश्वगंधा की जो तासीर है ये गर्म है, तो इसके कारण शरीर में पित्त बढ़ सकता है। जिन लोगों की पित्त प्रकृति है या पित्त से संबंधित अभी उन्हें कोई तकलीफ है, या तो फिर गर्मी का मौसम है, और अगर आपको शरीर में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो इस तरह की पित्त से संबंधित कोई भी तकलीफ अगर आपको है, तो आपने अश्वगंधा का सेवन बहुत संभाल के करना है। इसको आपने कम क्वांटिटी में लेना है। अब देखिए, अश्वगंधा के साथ हम कुछ ऐसी औषधियाँ मिक्स कर सकते हैं कि इसकी जो गर्म तासीर है वो आपको तकलीफ ना दे। तो आपने क्या करना है, आपने अश्वगंधा का चूर्ण लगभग आधा चम्मच लेना है, और इसमें आपने पाव चम्मच गिलोय का चूर्ण आप डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें पाव चम्मच आंवला चूर्ण डाल सकते हैं, आप इसमें आधा चम्मच शतावरी चूर्ण डाल सकते हैं, या तो फिर एक चम्मच गाय के घी के साथ आप इसे ले सकते हैं। अब ये जो औषधियाँ है ये पित्त को बैलेंस करने में आपको मदद करेगी। अगर इस तरह से लेने के बाद भी अगर आपको अश्वगंधा सूट नहीं हो रही है, तो प्रिफरेबली आपने इसे नहीं लेना है। दूसरी जो रसायन औषधियाँ है या वाजीकरण औषधि है उनका सेवन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी सावधानी आपने लेनी है। आज के वीडियो में हमने अश्वगंधा इस गुणकारी आयुर्वेदिक वनस्पति की पूरी जानकारी ली है। इसके सबसे अच्छे 7 हेल्थ बेनिफिट्स हमने देखे है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।